भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे अधिकृतिक देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। इस भारत की एक विशेष बेटी के बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। आज मैं अविनाश आपके सामने सरोजनी नायडू के बारे में कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। यह एक राजनेत्री, समाज सुधारक और एक महान कवयित्री थी। इन्होंने अपने जीवन काल के कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया था और साथ ही साथ उनका आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। सरोजनी नायडू की कविता लिखने में रुचि थी, जबकि उनके पिता उन्हें गणितज्ञ बनाना चाहते थे। सरोजनी नायडू इंग्लैंड में अध्ययन करने गई, जहां उनकी मुलाकात एडमंड गूस और आर्थर साइमनियत जैसे प्रसिद्ध साहित्य पुरस्कार विजेताओं से हुई। गूस ने सुझाव दिया कि सरोजनी नायडू को अपने खास कार्य में भारतीय विषयों का उपयोग करना चाहिए। उन्हें 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की तो 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। एक कवि के रूप में सरोजनी नायडू के साहित्य कार्य ने उन्हें रंग कल्पना और गीतात्मकता के कारण गांधी द्वारा भारत की कोकिले उपनाम दिया। धन्यवाद। देशभक्ति को जारी रखते हुए आपके सामने एक गीत लेकर प्रस्तुत है।